टाटा ने टेस्ला के साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजिक डील की है, इंडिया में 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और जो सेमीकंडक्टर्स चिप हैं, वो पूरी दुनिया की टेस्ला गाड़ियों के लिए इंडिया बनाएगा। वो सारी बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है, ऑयल में है और दूसरी चीजों में है। इसके ऊपर चाइना बहुत नाराज हुआ। मैं तो हैरान हो गया हूं, इसका इंपैक्ट क्या होगा चीन पे? चाइना को तो वो, वैसे तो पंजाबी में कहा जाता है, पड़तू पड़ गए या क्या, यानी चाइना को परेशानी हो गई है बहुत ज्यादा। मुसलमानों के साथ हमेशा अल्लाह की ताकत रही है। हर मुल्की बैरूनी हालात को देखते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम पर दो राहे पर मौजूद है। मुसलमान कुर्बानियों के लिए पैदा होता है। हाँ। मुसलमानों को हमेशा कुर्बानियों के लिए अल्लाह ने पैदा किया, और मुसलमानों जंग में लड़ेंगे, मरेंगे, गज़वा हिंद करेंगे। हम गज़वा हिंद करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। हमें पैसे की इतनी जरूरत है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रहे हैं। मैं ये बताएं, क्राइम करने में, जुर्म करने में मर्द मुसलमान आगे पाकिस्तान के कि औरतें? सही बात है। कौन आगे? औरतें हैं। कभी आपने सोचा है इस तरीके से? महंगाई आने वाले साल में कम हो जाएगी और हालात बेहतर हो जाएंगे। अब आपको समझ आई कि ये कितनी बड़ी डील है, कि अब पूरी दुनिया के लिए जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो टाटा और टेस्ला मिलकर बनाएंगे। आपको गुस्सा आ रहा है कोई फलस्तीन के लिए नहीं जा रहा? फलस्तीन के लिए इसलिए नहीं जा रहे, हम जाने के लिए इंशाल्लाह, हमने ट्रेनिंग भी की है, हम जाएंगे इंशाल्लाह। आप जाके क्या करेंगे? ड्रोन तो ऊपर से चलाएंगे, ऊपर से जो मर्जी हो, अल्लाह मार। सामने कोई नहीं आ रहा, ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से सब कुछ हो रहा है। आपको क्या पता? आपको पता ही नहीं नसरुम में अल्लाह है फतहन करीब। जब ये आए तो आएगी, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा तो फलस्तीन खुद ब खुद आजाद हो जाएगा। देखो ना, एक वाक्या हुआ नी, शिफा अस्पताल में वो हमला करने वाले थे, तो जब देखा नहीं सारे इसराइली और वो जो टैंक लेके आए मुजाहिद अपने, जो नहीं फलस्तीन वाले हमास वाले, वो सुरंगों से निकले, उन्होंने उनको सबको मार दिया, टैंक भी तबाह कर दिए। अब वो खबर आई है आपके पास? नहीं ना आई है आपके पास? आपके पास आ गई ना, वो अल्लाह ने दी है हमें। अल्लाह ने भेजी है, अल्लाह ताला ने आप तक पहुँचाया और आपने मेरे चैनल तक पहुँचाया जी, माशाल्लाह, क्या बात है। आप क्या कहेंगे जी, फलस्तीन और ईरान के बीच जंग है, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, जंग अगर उधर होगी तो हमारा भी पट्ठा बैठ जाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क नाम क्या तो इस्लाम का है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने? हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है। अब भाई, तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया? आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी आपने क्यों? नहीं बहन, नहीं ब्लड, यू आर नॉट इन माय ब्लड रिलेशन, व्हाई यू टच मी विदाउट माय परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं ये सिखाया, ये पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ? मैंने आपको अपनी ये आप अरेस्ट हो सकते हो इस बात पे, आपको पता है? तैयार हूँ। ये सोशल हरेसमेंट है, जो मर्जी है, ये सोशल हरेसमेंट है। आवाज आप फलस्तीन के लिए उठा रही हो ना? उठा। अच्छा मुझे बताओ, पाकिस्तान में कितनी वीमेन है जो बुरखे में, और कितनी वीमेन जो दुपट्टे में है? हमारी वीमेन कोई दिखा दो। तो वो तो आपके घर का माहौल है, मैं अपने घर के माहौल से चलूंगी। अपने घर अगर आप डिस्कस हो रही है ना, उस पे आप बात करो ना। ये कोई बात नहीं है, वो उनका है डिस्पटर। हाँ, ये आप देखे, हर बंदा अपनी। हाँ, यो आपका है, वो जो उनकी ड्यूटी है उनको पूरी करने दें। टाटा ने टेस्ला के साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजिक डील की है कि जिसमें टाटा और इंडिया पूरी दुनिया के लिए, यानी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, जो सेमीकंडक्टर्स चिप हैं, वो पूरी दुनिया की टेस्ला गाड़ियों के लिए इंडिया बनाएगा। अब आपको समझ आई कि इसको जो एक स्ट्रेटेजिक डील कहा जा रहा है वो क्यों है, और जो मेगा डील है वो क्यों है? क्योंकि पहले तो यहां तक था ना कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो एलोन मस्क हैं वो जा रहे हैं भारत, वो उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से उनकी मुलाकात होगी, और उससे पहले ये तय पा चुका है, वहां पे उन्होंने जगह भी ढूंढ ली है उनकी फैक्ट्री की, प्लांट की, और वहां पर जो है वो आप
देखेंगे कि वो अब काम करेंगे और वहां पर टेस्ला गाड़ियां जो है बनेंगी, और वो पहले ही उन्होंने जर्मनी में बनाना शुरू कर दी इंडिया भेजने के लिए। लेकिन अब इंडिया ने ये किया, इसको जो स्ट्रेटेजिक कहा जा रहा है वो इसलिए कि उसने कहा कि सिर्फ इंडिया के लिए ही क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो है वो इस वक्त एक दौड़ है दुनिया में, और खास तौर पर सुपर पावर्स की दौड़ है सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स चिप हर चीज में जो इस्तेमाल होती है, तो उनकी इतनी डिमांड है, इतनी मांग है कि उसकी किल्लत पड़ जाती है। तो कुछ कंट्रीज हैं जो कि वो बनाते हैं और जिसमें वो आगे हैं और वो सुपर पावर्स हैं, इंडिया उसमें क्यों ना आगे रहता। तो उसने कहा कि सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए जो है सेमीकंडक्टर्स चिप, उसके लिए हम जो टेस्ला के साथ इलोन मस्क के साथ ये कर रहे हैं कि उनके साथ काम कर रहे हैं, तो सिर्फ इंडिया के लिए ही चिप क्यों, टाटा अब टेस्ला के साथ मिलकर ऐसी डील करे कि पूरी दुनिया के लिए ये सेमीकंडक्टर्स चिप जो है वो इंडिया बनाए। अब आपको समझ आई कि ये कितनी बड़ी डील है कि अब पूरी दुनिया के लिए जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो टाटा और टेस्ला मिलकर बनाएंगे। तो जनाब टेस्ला जो है वो एंड टाटा हैव साइंड ए स्ट्रेटेजिक डील, और उसमें जो है सेमीकंडक्टर्स चिप फॉर इट्स वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस, जो टेस्ला के वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन है उसके लिए जो ये बनेंगे चिप्स वहां पर इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स। और ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने ये जो डेवलपमेंट है और जो डील है इसको अब डिस्क्लोज किया है और ये खबर सामने आई है। अच्छा हुआ ये है कि इसके ऊपर चाइना बहुत नाराज हुआ। चाइना को तो वो वैसे तो पंजाबी में कहा जाता है पड़तू पड़ गए या क्या, यानी चाइना को परेशानी हो गई है, बहुत ज्यादा मसला पड़ गया है इस टेस्ला और टाटा डील से। इसकी वजह यह है कि चाइना ने ग्लोबल टाइम्स में बकायदा इसके ऊपर बड़ा एक सख्त किस्म का स्टैंड लिया है, जिसमें एक ऐसा स्टैंड है कि जिसमें मैंने ये जो कहा कि क्राइंग चाइना इज क्राइंग, उसकी वजह यह कि जिस तरह आप समझ लें कि दो बच्चे जो हैं वो अगर लड़ रहे हो या कोई खेल रहे हो उसमें एक जो है वो बहुत ही बच्चा हो और वो नाराज हो जाए और वो फिर कहे कि नहीं मैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, तो वो वाली सिचुएशन जो है वो हुई है। क्योंकि ग्लोबल टाइम्स में चाइना की तरफ से ये पब्लिश हो रहा है कि इंडिया नॉट आइडियल फैक्ट्री साइट फॉर टेस्ला, यानी बाकायदा लिटरली चाइना अब ये स्टार्ट हो गया है कहना कि भाई इंडिया क्यों जा रहे हो टेस्ला, इलोन मस्क इंडिया क्यों गए हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो तो आइडियल साइट है ही नहीं इसके लिए टेस्ला के लिए। और किस लिए आइडियल साइट नहीं है, किस तरह उन्होंने जो इसके लिए लॉजिक्स पेश किए हैं ग्लोबल टाइम्स में, उसमें कहना ये उनका के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का ऐसा है नहीं कि वहां पे टेस्ला पहुंचकर अपना कारोबार करे, और ना ही एनवायरनमेंट ऐसा है जो कि बिजनेस फ्रेंडली हो। और फिर उनका कहना था कि टेस्ला शुड वरी अबाउट इट्स डिसीजन टू बिल्ड ए फैक्ट्री इन इंडिया, कि टेस्ला को तो परेशानी होनी चाहिए, उसको फिक्र करनी चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि भाई ये क्या कर रहा है वो। तो देखिए दिलचस्प बात यह कि उनके इस उस पर अब सिर्फ टेस्ला वहां पर फैक्ट्री नहीं लगा रहा, अब क्या करेगा चाइना, क्योंकि टेस्ला ने तो टाटा के साथ वो डील कर ली कि वो पूरी दुनिया के लिए जो है वो बनाएंगे अब सेमीकंडक्टर चिप्स।